अलैकुम मेरा नाम हारिस निसार है पाक व्हील्स के साथ मेरा ताल्लुक़ पिछले कोई 18 साल से है शायद पाक व्हील्स जब लॉन्च हुई थी बिल्कुल उसी टाइम से मेरे पास कुछ मोटरसाइकल्स गाड़ियाँ इससे पहले भी आपने देखी होंगी पाक व्हील्स ने एक एपिसोड पहले भी मेरे साथ किया था तो मेरे पास मैं मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल भी करता हूँ और एडवेंचर मोटरसाइकिल राइडिंग भी करता हूँ और साथ में कुछ मैंने पुरानी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स कलेक्ट भी किए हुए हैं

ये इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट यूनिक बाइक्स इन पाकिस्तान इट्स एन इंडियन चीफ विंटेज इंडियन मोटरसाइकिल्स का ये वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इंडियन चीफ़ पाकिस्तान में मेरे ख्याल से दो या तीन ही होंगे टोटल एंड विंटेज uh, सिर्फ दो हैं पाकिस्तान में व्हाट आई नो इस मोटरसाइकिल के रिव्यू से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री बता देता हूँ इट्स एन इंडियन चीफ विंटेज टू इज़ द ईयर इंडियन मोटरसाइकल्स बेसिकली वंस वॉज इंडी Uh, फिर ये बैंक करप्ट हो गई और इंडियन मोटरसाइकिल्स ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी 2011 में इंडियन मोटरसाइकिल्स बीन बॉट बाय पोलारिस और पोलारिस के बाय करने के बाद इंडियन ने दोबारा से अपने मोटरसाइकिल्स बनाना शुरू किए uh, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिटेल्ड मोटरसाइकिल्स अगर आप देखें तो और बिल्कुल एक क्लासिक क्लासिक लुक्स डिटेल्ड लुक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इट्स अ कॉम्बिनेशन इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन इंडियन मोटरसाइकिल्स और भी कई सारे मोटरसाइकिल्स बनाता है लाइक इंडियन स्काउट इंडियन चीफ टैन भी है इनका एक इंडियन uh, चीफ जो इनकी सीरीज चलती आ रही है उसके दो तीन वेरिएंट्स हैं चीफ विंटेज है चीफ एक आता होता था डार्क हॉर्स अभी आ रहा है उसके अलावा उससे पहले रोड मास्टर आता था और चीफ टैन आता है चलिए जी मैं आपको मोटरसाइकिल दिखाता हूँ सबसे पहले हम इसके फ्रंट के बारे में बात करते हैं फ्रंट के ऊपर अगर आएँ तो सबसे खूबसूरत चीज़ और नोटिसबल चीज़ जो इस मोटरसाइकिल में नजर आती है वो इसका हाइड्रस एम्बलम है इंडियन मोटरसाइकिल्स का इसके अंदर जब भी आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली जो फेस है रेड इंडियन का ये इसके अंदर एक लाइट ऑन हो जाती है और दैट लुक्स अमेजिंग आप इसके फ्रंट के ऊपर ये देखिए ये लाइन जो चलती आ रही है वो इसके हेडलैम्प तक आपको ऊपर तक नज़र आएगी और यही पिछले पिछले मटगाड में भी आपको इसी तरीके से नज़र आती है अच्छा अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखें तो इसके हेड बेसिकली दीज आर एल और एल होने के बावजूद ये क्रोम्ड एल हैं हेड uh, लेम्प्स भी और इसके ऑक्जलरी लैम्प भी इसके इंडिकेटर्स के अंदर भी एल ई डीज़ हैं बट मैं पहले आपको बता रहा था कि इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिक स्टाइलिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके टायर्स देखें अगर आप तो टायर आपको इसके वाइट वॉल्ड नज़र आएंगे इसका मडगाट uh, का आप अगर स्टाइलिंग देखें तो वो भी आपको बिल्कुल ऐसे uh, बड़ी क्लासिक सी फिनिश में नज़र आता है उसके अलावा इसकी फ्रंट अगर आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, तो ये स्क्रीन भी और मुझे स्क्रीन की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ये लाइक आप इसको आ, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर इसको आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से अच्छा इसके कीलेस ये मोटरसाइकिल है बेसिकली ये की फॉब आपको रिक्वायर्ड होती है आपके पास की फॉब है तो यू जस्ट हैव टू तो स्विच इट ऑन फ्रॉम हियर और आप इसको यहाँ से टैप करेंगे और ये इसका स्टार्टर बटन है इंजन स्टार्टर बटन ये इसका किल स्विच है इसके ऊपर अगर आप आएँ तो हैज़र्ड की लाइट्स आपको नजर आएंगी ये इसका क्रूज कंट्रोल है क्रूज़ आप इससे आ, कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस बटन से क्रूज इसका आप सेट कर सकते हैं फ्रंट भी डिस्क ब्रेक्स हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं रेयर भी इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं ये हॉर्न है इसका ये हेडलैम्पस को अगर आप कंट्रोल करना चाहें और ये इसके इंडिकेटर्स हैं इसके ऊपर मैंने आफ्टर मार्केट एक कुरियर का रोड थंडर साउंड बार ऐड किया हुआ है प्रॉपर म्यूज़िक सिस्टम एक ऐड किया हुआ है अगर आप राइड करते हुए उसको इंजॉय करना चाहते हैं तो और इस पर मेरे ख़्याल से इस मोटरसाइकिल के ऊपर प्रेफरेबली हर वो चीज़ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है जो इंडियन मोटरसाइकिल्स की तरफ से इंडियन मोटरसाइकिल्स के लिए बनती होगी मेरे ख्याल से इस मोटरसाइकिल के ऊपर वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी अच्छा इस आप इसके अगर इस वाले कंट्रोल्स के ऊपर देखेंगे तो ये इसका फ्यूल टैंक है ये इंजन स्टार्टअप बटन है इसका उसके अलावा इसमें आप स्टाइलिंग देखें तो हो बहुत अल्टीमेट स्टाइलिंग है कि ये तो इसका फ्यूल टैंक का प्रॉपर कैप है बट उन्होंने पैरल उसके एक डमी कैप इस साइड के ऊपर दिया हुआ है इस पूरी लुक्स को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली फिर बहुत ही खूबसूरत क्रोम के ये तमाम कवर्स इसके शॉक्स के ऊपर भी मतलब इस मोटरसाइकिल की डिटेल्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो कोई भी चीज़ उन्होंने मेरा नहीं ख्याल बहुत ऑप्टिमम लेवल पर ट्यून है अच्छा इसके हैंडल बार को अगर आप देखें तो इसका स्टॉक हैंडल बार थोड़ा सा नीचे होता है हमने इसमें अपराइज हैंडल बार डाला हुआ है फॉर बेटर लुक्स भी और थोड़ी सी सीटिंग पोजिशन भी उससे काफ़ी बेहतर हो जाती है इवन आप इसके ब्रेक के कवर्स भी चेक करेंगे तो ये भी इंडियन मोटरसाइकल्स के तमाम एंग्रेव्ड है ऊपर अगर आप इसको देख सकें इसके बैक मिरर्स के अंदर भी आपको इंडियन मोटरसाइकल्स के लॉगोज नज़र आएंगे और लेदर की ये जो फ्रेंजेज हैं और लेदर के इसके जो ये इसके ग्रिप पपीज हैं इसके ऊपर भी इंडियन मोटरसाइकल्स एम्बोज है अच्छा इसके स्पीडोमीटर में अगर आप देखें तो टू हंड्रेड माइल्स पर आवर इसके ऊपर स्पीड मैंशनड है अच्छा आपको स्पीडोमीटर में ट्रिप ए ट्रिप बी टाइम नीचे नज़र आ रहा होगा उसके अलावा आरपीएम भी डिजिटल आते हैं अगर आप सेट करना चाहें तो उसके अलावा ये एम्बियन टम्परेचर दे रहा है टी डिग्री फॉरन हाइट्स उसके बाद ये बैटरी की वोल्टेज दे रहा है कि कितनी बैटरी इस टाइम पर आउटपुट दे रही है बैटरी और ये इसकी फ्यूल एवरेज आ रही है सेवन पॉइंट फाइव लीटर पर हंड्रेड किलोमीटर्स और ये रेंज इसकी मोटरसाइकिल की वन हंड्रेड एंड नाइन माइल्स इसकी रेंज आ रही है अगर आप उससे पीछे आए तो इसकी पिछली सीट के ऊपर पिछली सीट के ऊपर भी लेदर फ्रिंज इसके साथ हैं आ, आप इसके अंदर चाहें तो बैक रेस्ट ऐड कर सकते हैं बैक रेस्ट मेरे पास इसका मौजूद है बट मैं इस्तेमाल नहीं करता पिछली सीट इसकी नहीं आती स्टॉक मोटरसाइकिल के साथ आप चाहें तो सीट भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो उसके ऊपर एक कैरियर भी माउंट कर सकते हैं तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके पिछले बैग्स की तरफ अगर आप इसको इट्स अ बैगर एक्चुअली क्लासिक बैगर बैगर्स में मतलब पिछले कुछ अरसों में बहुत सारी नई मोटरसाइकल्स टाइप्स इंट्रोड्यूस हुई पिछले एक दो डेकेट्स में तो बैगर इज़ वन ऑफ देम होता ये था कि लोग मोटरसाइकिल बाय करते थे बड़े मोटरसाइकल्स क्रूज़ज़ बाय करते थे उनको सैडल बैग्स लगाते थे और सैडल बैग्स लगा कर उस पर लंबा लंबा ट्रैवल करने के लिए भी उसको यूज़ करते थे और अगर शहर में चलाना होता था तो वो बैग्स उतार देते होते थे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल मैनुफेक्चरिंग कंपनीज़ ने बैगर्स खुद से बनाने शुरू कर दिए क्योंकि ये मोटरसाइकिल टाइप बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही थी तो बैगर तो इसके दो सडल बैग्स दोनों तरफ मौजूद हैं सडल बैग्स के ऊपर भी इंडियन मोटरसाइकल्स की आप ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेविंग और ये उसके एमलम्स लगे हुए हैं अच्छा अगर मैं आपको इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में बताऊं तो ये मोटरसाइकिल 1800 सीसी है बेसिकली और ये वन 11 क्यूबिक इंचज़ है थंडर स्ट्रोक इंडियन मोटरसाइकिल्स के इस इंजन की टेक्नोलॉजी का नाम है आप इंजन की डिटेल्स के ऊपर जाते हैं तो आपको इसके हेड्स बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे किसी रेड इंडियन का एक्चुअली हेड होगा और आपको इसके इंटेक्स के ऊपर इसके साइड का पैनल्स के ऊपर इसकी इवन मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप जाएंगे ना तो आपको तमाम चीज़ों पर इंडियन मोटरसाइकिल्स के लॉगोज इंग्रेव हुए हुए नज़र आएंगे इस मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट इसमें किसी पुरानी वेंटेज क्लासिक आप अगर बैलियर कह लें या किसी भी उस तरह की गाड़ी के उसके पीछे शार्पन टेल्स आप चेक करें उसके बाद फिर लाइट्स इसकी पिछली क्लासिक एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन तमाम एल और पिछले फेंडर के साथ अगर आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर भी आपको मड गार्ड के ऊपर आखिर में भी फेंडर्स नजर आएंगे ओवर फेंडर्स नजर आएंगे मैं आपको अगर इस मोटरसाइकिल की ब्रेक्स के बारे में बताऊं तो ये फ्रंट भी एबीएस है रेयर भी एबीएस है उसके बाद अगर हम इसके इंजन के ऊपर आए तो इस मोटरसाइकिल में लुक्स के साथ साथ बहुत सारी परफॉर्मेंस अपग्रेड्स भी हुई हैं इंडियन मोटरसाइकल्स बेसिकली आप अगर चाहें उनसे तो परफॉर्मेंस अपग्रेड सेटअप पूरे पूरे देता है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री के ये स्टेज टू हुआ हुआ इंडियन मोटरसाइकिल से ही जब ये इंपोर्ट हुआ था और इसमें इनटेक एग्जॉस्ट इसकी केम्स ये सब स्टेज टू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल हुई हुई हैं अच्छा जब मैंने ये मोटरसाइकिल बाई किया था तो मैं इसकी लुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और मुझे एक रिज़र्वेशन थी कि शायद ये मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस में भी ऐसा ना हो और जितनी ज़्यादा इसके ऊपर फैंसी चीज़ें हैं शायद ये मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़े इस मोटरसाइकिल को वेदर कंडीशंस में निकालने के ऊपर और मतलब इसको बहुत ज़्यादा मुझे केयर भी इसकी करनी पड़ेगी मगर इस मोटरसाइकिल को मैंने बारिश में भी राइड किया है इस मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट तीन तीन सौ चार चार सौ किलोमीटर की काफ़ी सारी राइड्स की और उस दौरान में बारिश भी हुई और गर्मी भी और धूप भी और मैं आपको एक हकीकत बताऊं ये मोटरसाइकिल सिर्फ लुक्स वाला मोटरसाइकिल नहीं है इट्स वेरी गुड विद द परफॉर्मेंस ज़ीरो वाइब्रेशंस वी ट्विन इंजन टाइप्स में अमूमन आपको वाइब्रेशंस देखने में मिलती हैं इस मोटरसाइकिल मोटर में बिल्कुल जीरो वाइब्रेशंस हैं इवन ये स्टेज टू हुआ उसके बाद भी और उसके अलावा ये लुक्स के साथ साथ स्टाइलिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत रिलायबल मोटरसाइकिल है मैंने आज तक इस मोटरसाइकिल में ऑयल चेंज करने के अलावा और मेरे ख्याल से इसके एयर फिल्टर को क्लीन अप करने के अलावा अभी तक मैंने इसमें कोई काम नहीं किया पिछले कोई तीन एक हज़ार माइल में इसको मैं तीन हज़ार माइल चला चुका हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है इस मोटरसाइकिल की मतलब आम मोटरसाइकिल से क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है और ऑयल की टाइप भी बहुत स्पेसिफिक है तो हम अगर इसका ऑयल चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ऑयल के ऊपर चेंज किट इसकी जो इंडियन मोटरसाइकिल्स की अपनी ऑयल चेंज किट आती है दैट इज़ समवट अराउंड कोई एक सौ uh, कोई चालीस पचास डॉलर्स के अराउंड है तो वो मेरे ख्याल से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कॉस्ट करती है पाकिस्तान में एक ऑयल चेंज आप समझें कोई थर्टी थाउजेंड के करीब जाकर कॉस्ट करता है अगर मैं इस मोटरसाइकिल के मॉडल या इंपोर्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये 2016 मॉडल है और 2018 में ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई थी मोटरसाइकिल और इसकी प्राइस इस समवट अराउंड कोई छः मिलियन के करीब Uh, आजकल मैं एडवेंचर मोटरसाइकिल ज़्यादा राइड कर रहा हूँ तो मैं इन मोटरसाइकिल्स को क्रूजर्स को इतना ज़्यादा राइड नहीं कर रहा था और मैंने डिसाइड किया कि आई वुड बी लेटिंग गो दिस बाइक तो इस बाइक को Uh, मैंने सेल करने के लिए एक ऐड पार्क व्हील्स के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर वो भी देख सकते हैं अगर आप एडवेंचर मोटरसाइकिल राइडिंग्स और मोटरसाइकिल्स में भी इवन इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल का लिंक नीचे मौजूद है हारिस निसार लाइफ ऑन व्हील्स जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पार्क व्हील्स को देखते रहिए